हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत दिनों बाद मैं रेडी हुई। मेरा मन कर रहा था थोड़ा ज्वेलरी पहनने का, छोटी चूड़ियाँ पहनने की। तो ये ड्रेस मैंने मीशो से लिया है और इसे एक्सेसराइज किया है मैंने एंटिक ज्वेलरी के साथ। तो थोड़ी चूड़ा भी मेरी शादी का था तो मैंने वो भी पहन लिया। छठ का त्यौहार है तो मैंने सोचा कि त्यौहार में थोड़ा सज लेती हूँ। आई नो ये मुझे कम्फर्टेबल नहीं लगेगा, ज़्यादा देर मैं टिक नहीं पाऊँगी, बट मन गया तो मैं थोड़ी देर के लिए सही पर सज ली मैं। और मैं मायके जा रही हूँ, छठ का दिन है। धीरे धीरे धीरे, अयो एकदम धीरे से निकालना। तो गाइज, आज है छठ पूजा। हैप्पी छठ पूजा टू ऑल। और मैं थोड़ा बहुत तैयार हो गई हूँ, थोड़ा बहुत नहीं, कुछ ज़्यादा ही तैयार हो गई हूँ। पर मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, नीचे पेन हो रहा है, और फिर भी हम तैयार हो गए हैं क्योंकि आज फेस्टिवल का दिन है। और आई वॉन्टेड कि मैं अच्छी दिखूँ। साल साल के दिन पे ऐसे ही नाइटी पहन के ऐसे ही जैसे रहती हूँ, वैसे रहने का कोई शौक नहीं था मुझे। तो हम जा रहे हैं अपने मायके, बट ये बंदा कहीं और मुड़ा दिया है क्योंकि इसको चुल मच रही है डेट करने की मेरे साथ। इतने दिनों बाद वो बोल रहा है कि अब कार निकाले तो थोड़ा सा हम घूम लेते हैं, उसके बाद चलते हैं तुम्हारी मम्मी के यहाँ। तो हम कहाँ जा रहे हैं सको? चलो ऐसे ही एक लॉन्ग ड्राइव से आते हैं। इसको सैंडविच खिला दो ना, मुझे लाया हो तो। आगे निकलने के बाद कोई चीज़ मिलती है? यही सैंडविच, यही तो उसके पास नहीं मिलता। वो पीछे ही था ना। चलो खाना खाने का टाइम है, सैंडविच नहीं खाएंगे, बट खिला देते तो बढ़िया रहता यार। तो पीछे निकल गया तो हाँ, बाइक रहते तो सट से मुड़ जाता। यही फायदा है बाइक में, बहुत फायदा है, कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, और कार में फायदा नहीं है। कार में तो हम उछल रहे हैं और हमारा पेट भी उछल रहा है ढम 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 ढम। और रात को तो मैं 3 बजे 3:30 बजे सोई हूँ। सुबह में भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन कहीं जाना है ना तो थोड़ा सा साथ सवार के जाने का मन करता है, ऐसा नहीं मन करता जाने का। लेकिन वहाँ जाऊँगी तो मुझे पता है ये सब अकबक मुझे लगने लगेगा। और चूड़ी में उतारूँगी, गहने उतारूँगी, चुपचाप से नाइटी पहनूँगी और मॉम के यहाँ भी मांग के नाइटी पहन के सो जाऊँगी। यही होने वाला मेरे साथ, मुझे पता है। क्रेविंग मीठे की, और इस रेस्टोरेंट में, नहीं रेस्टोरेंट नहीं है, क्या स्वीट्स है, विद द स्वीट्स में अच्छे रसगुल्ले मिलते हैं। तो लेट्स गो एंड ट्राई रसगुल्ले। तुम भी खा लो। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। बहुत टाइप मैं खाई राक्षस टाइप। यहाँ मैं अपने मायका आते ही सारी ज्वेलरी उतार दिया मैंने, सारी चूड़ियाँ उतार दिया मैंने। मुझे एकदम कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, थक हार के मैं बैठ गई सोफ़ा पे। विद इन हाफ एन आवर मैंने नाइटी भी पहन लिया और मैंने अपनी असली रूप में आ गई और आराम कर लिया मैंने। यहाँ मैं खाना खा रही हूँ, फिर मैं तुरंत सो गई खाना खा के। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी।
यहाँ मेरा पति और मेरा भाई दोनों एक साथ खाना खा रहे हैं। मैंने अपने मायके को अपने हाथ से सजाया था, तो आप देख सकते हैं मोस्टली यहाँ मैंने अपनी पिक्स लगाई है। और ये मेरे डाइनिंग एरिया की फ़ोटोज़ हैं, तो कुछ ऐसे मैंने अपने लिविंग एरिया को सजाया था, डाइनिंग एरिया को। और शादी के पहले मैंने ये सब किया था, अब मैं मोस्टली ससुराल में सजाती रहती हूँ। ये काफ़ी पुरानी पिक है, लगभग 4 साल पहले की, जब मॉम बैंगलोर आई थी घूमने तब की। तो हम ऐसे ही घर रखते थे। और ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये मेरे बचपन के हैं। डॉल्स से मेरा एक पूरा शोकेस भरा हुआ है, क्योंकि बचपन से ही आई वॉज सो ऑब्सेस्ड विद डॉल्स। तो मेरे घर में लगभग 30 to 40 डॉल्स मिल जाएंगे। तो ये मैंने सजाया था, ये इम्बोज पेंटिंग मैंने बचपन में बनाई थी। फिर हाँ, मेरा छोटा सा प्यारा सा पूजा रूम, जिसमें मोस्टली सारे देवी देवताओं की फ़ोटोज़ हैं। ये छिंदमस्तिका का फ्रेम कराया हुआ फ़ोटो है, और काफ़ी पुराने पुराने तस्वीरें भी हैं यहाँ, बहुत साल पुराने भी अभी तक सहेज के रखी गई हैं। और कुछ पेंटिंग पे मैंने बनाई थी, तो मॉम ने पूजा रूम में ही रख दिया। ये माता रानी तो मैं हमेशा ख़रीदती थी, अभी भी मेरे ससुराल में पड़ी हुई है। और ये पेंटिंग मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी, जब मैं अपनी दीदी की शादी में कोहबर बना रही थी। और ये रामेश्वरम हम घूमने गए थे तब की है, और ये पेंटिंग मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। तो ये भी पूजा रूम में है। ये मॉम बना रही है मटर पनीर, पुलाव और बहुत सारा आइटम, मोस्टली जो भी साकेत को पसंद है वो बन रहा है यहाँ। और थोड़ा बहुत मैं भी हेल्प कर रही थी। ये देखो, मैं साकेत को खाना परोस रही हूँ, क्योंकि साकेत की कोई साली नहीं है, तो जब भी वो मेरे मायका आता है तो मुझे ही उसे प्यार से खिलाना पड़ता है और सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, ताकि उसे कोई कमी ना महसूस हो। सकू, तुम्हारा सारा शौक मुझसे ही पूरेगा, तुम्हारी साली वाली तो है नहीं जो तुम्हारा खातिरदारी करेगी। तो समझ लो, एक दिन के लिए मैं ही तुम्हारी साली हूँ, है ना। मैं तुमको आइटम दूंगी और फिर मैं बोलूंगी थोड़ा और खाइए, थोड़ा और खाइए। मॉम को नहीं खिलाती हैं? मॉम खिलाती हैं तुम्हें, पर साली की कमी होती है ना। अचार लोगे और?